हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रबर बैंड की मदद से दो क्यूट एंड बिल्कुल न्यू हाई बन हेयर स्टाइल है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से पहले सेंटर से हम लोग इस तरीके से बहुत पहले भी बताई हुई है मैंने कैसे बनाना है इसको, तो अगर आपको इसमें समझ भी नहीं आया तो आप पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। वैसे बहुत ईजी है, बस सिंपली एक दूसरे के ऊपर हेयर को रखते जाना है एंड क्रॉस करते जाना है एंड क्लिप की मदद से इसको एंड में सिक्योर कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से सिक्योर कर लेना है। देख सकते हो आप ऊपर कितना अच्छा लग रहा है इसका लुक। और साइड साइड के हेयर को ट्विस्टिंग करेंगे। अभी ऐसे करने के बाद से सिंपली यहाँ से एक ही लाइन के साथ मिलाते हुए ट्विस्ट करते जाएंगे बालों को। और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है और क्लिप की मदद से सिक्योर कर देना है। ओके, लाइन प्रॉपर होनी चाहिए, एक ही लाइन पे इसको ट्विस्टिंग को बनाना है। आप चाहे तो टू एंड थ्री लेयर से भी बना सकते हो, बट मैंने सिर्फ एक ही बनाया है यहाँ पे। अब बाकी हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे, एक हाई पोनीटेल बनाएंगे। मोटा वाला रबड़ बैंड ही लेना है यहाँ पे, पतला नहीं लेना है, जिससे कि आपका बन जो है, क्योंकि पतले हल्के बालों में छोटा वाला है मेरा, तो छोटे वालों में भी आप इस तरीके से बनाओगे तो मोटा रबड़ बैंड रहेगा तो आपका बन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हैवी दिखेगा एंड बड़ा दिखेगा, रबड़ बैंड अगर मोटा रहेगा तो। इस तरीके से मैंने टाइटली लगा लिया। ये पोनी के साथ भी काफ़ी अच्छा दिखता है, बट मुझे घर पर पोनी कम्फर्टेबल नहीं लगती है तो मैं हाई बन बना लेती हूँ। अगर बाहर जा रहे हो तो इस तरीके से पोनी बना के भी छोड़ सकते हो और थोड़ा सा हेयर लेके रबड़ बैंड को हाइड कर देना तो और अच्छा लगेगा। मेरे बाल बहुत कम हैं और छोटे हैं, तो इसके लिए मैंने बालों को इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड वन पार्ट को यहाँ पे क्लिप की मदद से सिक्योर कर देंगे। इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे और ये जो हेयर बचे हुए हैं इनमें बैक कॉम्बिंग करेंगे, जिससे कि जो हमारा बन होगा वो थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे उसमें। अब बैक कॉम्बिंग करके सिंपली इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे एंड ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे। ये जो हेयर है उसको नीचे ही छोड़ देंगे और अच्छे से लगा के हेयर को, और इसमें एक यू सॉरी दो चार यू पिन से अच्छे से इसको सिक्योर कर लेंगे। सॉरी, हेयर स्टाइल थोड़ी सी ऊपर दिख रही है लेकिन समझ में तो आ रहा होगा गाइस आप लोग को। तो इस तरीके से करने के बाद से अच्छे से यू पिन्स को मैं ऐड कर ले रही हूँ और ये वाला हेयर को ओपन करेंगे और इसमें एक चोटी बना लेंगे, सिंपल सी चोटी। ओके, पहले इसको जो हेयर हमारा दिख रहा है इसको अच्छे से अंदर की तरफ हाइड कर देंगे और फिर बचे हुए बालों में एक चोटी बनाएंगे। आप इसको पार्टी वार्टी में भी ट्राई कर सकते हो, पार्टी में जा रहे हो, वेडिंग में भी बन बनाना है हाई बन, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। हल्का हल्का सा खींचेंगे क्योंकि एंड पार्ट बहुत पतला है जिसकी वजह से चोटी हमारी बहुत पतली दिख रही है, तो ऐसे खींच लेंगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम दिखेगा बालों में। ऊपर के हेयर को छोड़ देंगे और इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे यहाँ से, और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। आप चाहो तो एंड पार्ट पे एक रबड़ बैंड भी लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं यू पिन से इसको सिक्योर कर रही हूँ। अब इस साइड के हेयर को भी बैक साइड में लेके जाएंगे चोटी को, और यहाँ पे यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ओके, और ये ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल डन है। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो, तो इसका लुक कुछ इस तरीके का आया था, ये ऐसे दिखेगा। थोड़ा थोड़ा इसको खींच लेंगे ताकि हमारी चोटी जो है वो थोड़ी अच्छे से दिखे। तो आप देख सकते हो, और सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ चलेंगे। तो
तो सेकंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, बहुत इजी है, आराम से आप बना सकते हो। सबसे पहले बालों को अच्छे से कॉम करेंगे, एक हाई पोनीटेल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है। मोटा वाला रबड़ बैंड अगेन लेंगे और अच्छे से टाइटली रबड़ बैंड को लगाएंगे इस तरीके से एक बार और सारा हेयर को पीछे की तरफ रख के इस तरीके से खींचेंगे और ऊपर थोड़ा सा हेयर इस तरीके से छोड़ देंगे। अब बैक साइड से हेयर को फ्रंट साइड में लेके आएंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से। ये देखिए टू पार्ट्स में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। ओके, अब आगे की तरफ लेके आएंगे और एक पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे यहाँ पे। रबड़ बैंड निकाल रही हूँ मैं, सॉरी। तो यहाँ पे रबड़ बैंड को मैंने निकाल लिया है एंड इसमें इस तरीके से लगाएंगे। रबड़ बैंड ले लिया पतला वाला और इस तरीके से हेयर को पकड़ेंगे, फ्रंट साइड में लेके आएंगे एकदम सेंटर में और रबड़ बैंड को लगा देंगे। रबड़ बैंड को लगा दिए, अब हेयर को इस तरीके से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद से बन के पीछे लेके जाएंगे इस तरीके से और पीछे वाले हेयर को, तो इस तरीके का लुक आएगा आपका बन का। पीछे वाले हेयर को पीछे की तरफ ही यूपिन की मदद से अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, रबड़ बैंड दिखाई ना दे इस तरीके से। ये खुल गया, इसको पीछे की तरफ से इस तरीके से लेके आएंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे और वहीं पे यूपिन लगा देंगे ताकि ये दोबारा से बाहर ना आए। और हल्का हल्का सा बन को इस तरीके से खींचेंगे और ये हमारे बन का फाइनल लुक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद से, अपने जहाँ पे आपको यूपिन की ज़रूरत लग रही है वहाँ पे आप यूपिन लगा दीजिए और फ्रंट से थोड़ा थोड़ा खींचेंगे जिससे हमारे बालों को एक पॉप का लुक मिल जाए और हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी दिखे। तो इस तरीके का हेयर स्टाइल आप रबड़ बैंड की मदद से, ये वाला हेयर स्टाइल आप एवरीडे भी ट्राई कर सकते हो, घर में बना सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और बहुत ईजी है, कोई भी बना सकता है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक ये आप मेरी फ़ोटो देखिए, फ़ोटो मैंने एंड में डाली हुई थी, जाइए नहीं देख लीजिए फ़ोटो। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये फर्स्ट वाला बन हमारा। तो आप ट्राई कर सकते हो इसको पार्टी वेडिंग के लिए भी और सेकंड वाला आप एवरीडे में ट्राई कर सकते हो, कहीं मार्केटिंग वगैरह के लिए जा रहे हो तो ट्राई कर सकते हो। स्मोकी काजल कैसे लगाते हैं इसकी वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे प्रीत तिवारी 2 पे अपलोड किया है। स्मोकी काजल लगाने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से आप काजल लगाओगे तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ब्राइडल को पार्टी में, आप इस तरीके से काजल अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज़ गो टू माई सेकेंड चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।